उत्तर प्रदेश के कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव उसके ही घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। प्रेमिका से बात करने के बाद युवक ने की आत्महत्या। पीड़ित परिजनों का आरोप। पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी। सदर कोतवाली क्षेत्र के महचंदापुर गांव का मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री राम अवतार है। कहाँ के रहने वाले? महचंदापुर गांव के रहने वाले। क्या हुआ लड़के को आपको? हमारा लड़का जो है प्रेम प्रसंग करता था, जिसे उसने ससुराल थी हमारी घुधवापुर गांव में, तो वह जो है ससुर और सारे जो है उनको लड़का का जो बहलाई के रहे, उनने जो है प्रेम प्रसंग शिवानी नाम की लड़की थी चचेरे ससुर की, तो उसको जो है उन लौड़ा का जो फांस के उसने शादी ब्याह करीब लेते यार राजीव कर जबरदस्ती कर गया। उसने जो है शाम को फोन किया, लड़का ने पता नहीं क्या बात भाई, किससे? लड़की से। उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। किसने? अखिलेश ने। ये कौन है आपका? ये हमारा लड़का है। तो आप लोगों को कैसे जानकारी मिली लड़के के बारे में? उस लड़की ने हमको खबर दी कि तुम्हारा जो है हमारे दामाद को विशेष पुरवा गाँव में खबर दी, वे ककरा में मतलब दुकान धरे थे, हाँ तो उनको खबर दी कि तुम्हारा जो है साला खत्म हो गया। उनने लड़कियाँ फोन करो, रात हो गई तो लगो नहीं था लामा, जब लगो तो जानी तरफ लटको मिलो। आप लोग जब कहाँ पर लगाई फांसी लड़के ने? दुमंजिला पर लगाई थी। आपके घर में? घर में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। मैं वोटर हूँ, किसान हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ, रुकता नहीं, झुकता नहीं, बिकता नहीं, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ। तुम झूठी चाले चल के शहरों के नाम बदल के नोटों को कचरा फेंके और हर निर्धन को चल के कहते हो हमको चुन लो, अब तुम भी हमारी सुन लो। सरकार अब ऐसी आए जो सबको दे दे जाए, उन्नति हो, हो प्रगति हो, किसान पाए, हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटाने के लिए उठा मैं एक तूफान हूँ, मैं ही तो हिंदुस्तान हूँ, अब होगा न्याय।